हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और अब बात करेंगे पीले पंजे की। एक पीला पंजा जो चला तो कई सारे सवाल या तो जवाब की तरफ बढ़े या सवालों के कुछ और सवाल निकल कर आए। हम बात कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों मनिकांत एनक्लेव की। पीला पंजा यहां चल तो गया, हरियाणा न्यूज की खबर का असर इसमें है, लेकिन साथ ही साथ सवाल यह है कि क्या ये सरकार की हार है, उनकी कोशिश जो पीएलपीए एक्ट में संशोधन करके वो कर रहे थे, तो सरकार की हार है या कानून की जीत। ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने विकास के नाम पर पीएलपीए एक्ट में संशोधन कर अरावली की पहाड़ियों पर निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किए और सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद विपक्षियों के बीच भी सरकार की खूब किरकिरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के बाद अरावली पर बने निर्माण को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, जिसमें कांत एनक्लेव भी शामिल है। आज कांत एनक्लेव पर प्रशासन की ओर से कार्यवाही शुरू हो गई है। 11 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कांत एनक्लेव पर फैसला देते हुए कहा था कि इसकी जमीन फॉरेस्ट लैंड है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की स्पेशल बेंच ने 18 अगस्त 1992 के बाद अवैध निर्माणों को ढहाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने हालांकि 17 अप्रैल 1984 से 18 अगस्त 1992 के बीच हुए निर्माणों को नुकसान न पहुंचाने को कहा था। कोर्ट ने कहा है कि सभी निर्माणों को गिराया जाए, जमीन वापस फॉरेस्ट को दी जाए। कोर्ट ने ये भी कहा था कि कंपनी के अनुसार एनक्लेव डेवलप करने में 50 करोड़ का खर्च हुआ है, इसलिए नुकसान की भरपाई के लिए 5 करोड़ जमा किए गए। कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा कि प्रभावित लोगों को 10 दिसंबर तक पैसा दे जिनके घर तोड़े जाने हैं। 11 दिसंबर को फिर सुनवाई में मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट को बताया कि कांत एनक्लेव में रहने वाले लोगों ने जगह खाली करने के लिए और समय मांगा है। कांत एनक्लेव में रहने वालों ने कहा कि उन्हें अप्रैल 2019 तक का समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा जिन प्लॉट पर निर्माण हुआ है जिनमें से हर प्लॉट मालिक को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आज अरावली पर बने कांत एनक्लेव को तोड़ने का अंतिम दिन है। प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया और आज समय पर ही प्रशासन की पूरी फौज वहां पर पहुंच गई है और तोड़फोड़ वहां पर जारी भी है। इस खबर को प्रमुखता से हरियाणा न्यूज ने भी दिखाया और इसलिए सरकार को एक्शन लेना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।